हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे पास एक वीवो का सेट है। ये बिल्कुल डेट है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई से, और ये लगाया डीसी पावर सप्लाई का केबल और दबाया पावर की, और रीडिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो बिल्कुल जीरो रीडिंग नहीं ले रहा है। और मीटर से चेक करने से भी बैटरी कनेक्टर पर लग रहा है बिल्कुल मदरबोर्ड ओके है, शॉर्ट नहीं है। और आपको मालूम ही होता है ये सब सेट में जो भी प्रॉब्लम होता है सेकेंडरी लाइन में होता है, मतलब बैटरी कनेक्टर पे चेक करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं दिखाता है। अगर बाईस बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट होता है तो 99% नेटवर्क आईसी में जाओ, वहाँ पे देखो कुछ ना कुछ शॉर्ट है, या तो कैपेसिटर शॉर्ट है या तो आदर्श कुछ शॉर्ट है। बैटरी भी बिल्कुल ओके है। वीवो का ओप्पो का बहुत सारे मॉडल में ऐसा केसेस होता है मोबाइल डेड है। अगर हम लोग चार्जर डॉक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है हम लोग को, थोड़ा बहुत एम्पियर लेता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फोन में ऐसा कुछ भी केस नहीं है कि एम्पियर थोड़ा सा ले रहा है, डीसी पावर सप्लाई लगाया, पावर की दबाया, कुछ रेटिंग ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों और एक बात क्लियर करता हूँ आप लोगों को, अगर बाईसेंस किसी भी मॉडल में आपको देखने के लिए मिलता है अभी का न्यू सेट में कि बैटरी कनेक्टर पर फुल शॉर्ट, तो आप लोग को डायरेक्ट जाना है नेटवर्क आईसी का, वहाँ पे चेक करो, 99% प्रॉब्लम सॉल्व वहीं से होता है नेटवर्क एरिया सेक्शन से। ठीक है, अगर बैटरी कनेक्टर में फुल शॉर्ट होता है तो दोस्तों इसमें तो ऐसा कुछ केस नहीं है कि बैटरी कनेक्टर में फुल शॉर्ट है, इसमें प्रॉब्लम कुछ अलग सा है, सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम है। तो चलो दोस्तों फटाफट इसका जो पावर ऐसी जहाँ पे रहता है उस टीना को रिमूव करते हैं फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसका प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है और कैसे ये प्रॉब्लम ठीक भी होता है। ठीक है, और ये जो टीना है इसको आराम से निकल दो। मेरा ख्याल से यहाँ पे आप लोग ब्लोअर यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि ब्लोअर यूज़ करने से इसका जो मदरबोर्ड होता है बहुत ही पतला सा होता है, और ब्लोअर यूज़ करने से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, तो ब्लोअर यूज़ ना करें वही बेहतर है। तो दोस्तों मैंने इस टीना को निकल के यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से चेक किया है, देखा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि ट्रैक वगैरह बिल्कुल सही है। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मीटर से चेक करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग को जो कैपेसिटर चेक करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में अभी दिखाएगा कौन सा कैपेसिटर को आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। यहाँ पे जो कैपेसिटर है देखो, इस लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर है, यहाँ पे चेक करना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट, 000 मतलब बिल्कुल शॉर्ट। अगर यहाँ पे एक भी कैपेसिटर शॉर्ट देखता है तो आपको सबसे पहले शॉर्ट क्लियर यूज़ करके चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस कैपेसिटर पर हम लोग शॉर्ट क्लियर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जितने भी सारे कैपेसिटर देख रहे हैं हर कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। तो आपने देख लिया मैंने कौन सा कैपेसिटर दिखाया आपको स्क्रीन में, दोबारा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो को एडिट कर दिया है। तो इसी तरह एक तो शॉर्ट क्लियर बना लो, और इसका जो GND होता है किसी कोई पर भी बॉडी पर शॉर्ट कर दो आयरन से। इस तरह बॉडी पे कोई पर भी शॉर्ट कर दो, और जो कैपेसिटर मैंने दिखाया आप लोगों को उस कैपेसिटर का प्लस साइड में, मतलब आईसी का साइड में अंदर की तरफ वहीं पे शॉर्ट करना है। जैसे आप शॉर्ट करेगा तुरंत जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो तुरंत जल जाएगा, और 000 वाला शॉर्ट जो होता है ना, 100% जो शॉर्ट होता है वो 90
9.9% कैपेसिटरी शॉर्ट होता है। आईसी शॉर्ट होने से आपका मीटर में 000 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी अभी शॉर्ट नहीं है, जो भी शॉर्ट था वो तुरंत चला गया। तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, सिर्फ आपको इस पावर आईसी के ऊपर का जो कवर होता है टीना से, उस टीना को आराम से निकलना है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, पहले यहाँ पे 000 आ रहा था मीटर में, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों फटाफट सबसे पहले बैटरी लगा के चेक करते हैं, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, फिर हम लोग डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे, फिर चार्जर से चेक करेंगे। अभी देखते हैं क्या रोल है इसमें, क्या सीन है। यहाँ पे देखो वीवो सक्सेस ऑन हो गया। तो दोस्तों फटाफट अभी डीसी पावर सप्लाई से चेक करते हैं। पहले पावर की दबाने से रेटिंग कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल 0। तो आप चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने केबल लगाया, पावर की ऑन किया, तो यहाँ पे एक बार में ले रहा है, एक बार में ले लिया, पहले नहीं ले रहा था, और सेट भी ऑन हो गया। तो आप चेक करते चार्जर से, देखते चार्ज हो रहा है कि नहीं। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे देख लो दोस्तों बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। दोस्तों वीडियो अगर कोई पे भी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक से मालूम चल जाता है यूट्यूब वालों को कि इसका जो वीडियो का कंटेंट है ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसी तरह एक शॉर्ट क्लियर भी बना लीजिए, बहुत काम का चीज़ है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा से हो सके लाइक कर दीजिए।